परंपरागत तरीके से प्रभु खाटू श्याम को याद किया उनके श्रद्धालुओं ने कटरा रामलीला कमेटी मैदान में। विगत 23 वर्षों से कार्यक्रम बराबर आयोजित हो रहा है। ये हमारा 23वां वार्षिक कार्यक्रम है। खाटू श्याम जी का भजन कीर्तन का कार्यक्रम है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, नहीं तो हम आपको जानकारी दें कि राजस्थान के जयपुर शहर से 80 किलोमीटर दूर खाटू नामक एक स्थान है। वहाँ पर भगवान का विशाल मंदिर है खाटू श्याम जी का। इनका महाभारत काल से संबंध है। महाभारत काल के समय राजा बर्बरीक एक राजा हुआ करते थे। जिस समय महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था, उस समय जब ये युद्ध के मैदान में गए तो भगवान कृष्ण से इन्होंने बात की, तो उन्होंने बताया कि इनके पास दो तीर थे कि मैं उस दो तीर से जो भी पक्ष हारने लगेगा उसका साथ देकर उसे जिता दूंगा। जब भगवान कृष्ण ने इनकी परीक्षा ली और वो उसमें पास हुए तो उन्हें चिंता हुई कि कौरव हारेंगे तो ऐसा ना हो कौरव का साथ दें और पांडव हार जाएं। तो इसलिए भगवान कृष्ण ने इनके शीश का दान मांग लिया। यहाँ किसी बलि को चढ़ाने के लिए किसी बलशाली व्यक्ति की ज़रूरत है, तो इन्होंने अपना सिर काटकर भगवान कृष्ण को वहाँ दे दिया। तभी से इनका नाम शीश का दानी पड़ा। इन्होंने भगवान से कहा कि मैं ये युद्ध देखने आया था जहाँ इतने बड़े बड़े योद्धा लड़ेंगे, आपने युद्ध से पहले ही मेरा शीश मांग लिया तो मैं युद्ध नहीं देख पाऊँगा। तो भगवान ने वहाँ पर निकट स्थित एक पहाड़ की चोटी पर इनके शीश को रख दिया और वहाँ से इन्होंने पूरा महाभारत का युद्ध देखा। महाभारत युद्ध के बाद भगवान कृष्ण वहाँ गए और सभी जब पांडव लोग अपनी अपनी वीर गाथा गा रहे थे कि मैंने इसको मारा मैंने इसको मारा, उस समय भगवान ने कहा कि एक व्यक्ति जो पूरा युद्ध देख रहा था, चलो उससे बात करते हैं। वहाँ जब सभी पांडव लोग गए तो उसने बतलाया कि मुझे सिर्फ भगवान श्री कृष्ण और उनका सुदर्शन चक्र ही महाभारत के युद्ध में नजर आया और कोई योद्धा नजर ही नहीं आया। इस पर थोड़ा भीम रुष्ट हो गए, उन्होंने लात मारी उस पहाड़ पर कि शायद पहाड़ गिर जाए, परंतु ऐसा संभव नहीं हुआ। तो उस समय सभी जितने भी महाभारत में इनके योद्धा थे आपके पांडव ग्रुप के, इनका घमंड चूर हुआ और वहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि आप कलयुग में हमारे नाम से पूजे जाएंगे, इसीलिए सिर्फ इनके शीश की पूजन होती है। जहाँ भी है मंदिर भी वहाँ जो खाटू में बना है, फागुन में शुक्लम एकादशी के दिन वहाँ पर एक विशाल मेला लगता है जिसमें लाखों लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए, निशान चढ़ाने के लिए। बहुत ही बृहद मंदिर है, इसलिए हम लोग सब प्रत्येक वर्ष यहाँ से खाटू श्याम जी के भजन कीर्तन का आयोजन इस समय करते हैं। और ये हमारा 23वां वार्षिक कार्यक्रम है। इसमें हमारे पास बाहर से कलाकार भजन के लिए आए हैं। कोमल शर्मा आई हैं जयपुर से, श्री राम जी आए हैं कलकत्ता से, श्रीमती मोना मेहता आई हैं फरीदाबाद से। इनके भजन कीर्तन का कार्यक्रम होगा। हमारी संस्था के संरक्षक माननीय जगतगुरु शंकराचार्य श्री वासुदेवानंद जी, आदरणीय श्री अशोक सिंघल जी और नंदू जी महाराज, जिनका कि बराबर आस्था पर कार्यक्रम रात में आता है, वे श्याम भक्तों में बहुत ही पूजनीय है पूरे भारतवर्ष में, वे हमारे संरक्षक हैं।